लेटली आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही विंटर सीजन शुरू हुई, चाइना में एक एटिपिकल निमोनिया का होना पाया गया है। वो एटिपिकल निमोनिया एक तरह का वायरल निमोनिया था और उसका कारण माइकोप्लाज्मा निमोनी नामक बैक्टीरिया पाया गया। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि चाइना में जहाँ कोविड शुरू हुआ था, वहाँ पर नई वेव ऑफ निमोनिया आ गई। ऐसा पाया गया कि चाइना हैड वेरी स्टिफ लॉकडाउन। वहाँ पर इतना स्टिफ लॉकडाउन हुआ कि जो न्यू बॉर्न बेबीज थे और बच्चे थे, उनका 2 से 3 साल तक कोई सोसाइटी और बाहर के एनवायरनमेंट से इंट्रैक्शन ही नहीं हुआ। इसके कारण जो नेचुरल इम्यूनिटी अगेंस्ट द एनवायरमेंटल पैथोजेंस होती है, वो बच्चों में डेवलप नहीं हो पाई। और यही कारण एक्सप्लेनेशन के तौर पे दिया गया कि लो इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग लॉकडाउन नए बच्चों में एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा पाया गया। ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो पाया गया वो काफ़ी ट्रीटेबल है। एक एंटीबायोटिक होता है, उसके द्वारा ट्रीट किया जा सकता है और मैं सोचता हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये टाइड ओवर हो जाएगा। बट अभी जो कोविड के नए केसेस आने लग गए हैं, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में, लास्ट फर्स्ट वेव कोविड का था अल्फा वेव, सेकेंड वेव था डेल्टा वेव और थर्ड वेव था ओमिक्रॉन वेव। इसमें सेकेंड वेव डेल्टा वेव सबसे खतरनाक वेव थी, जिसमें सिकनेस और डेथ रेट बहुत अधिक थी और उसमें मैन लॉस बहुत अधिक हुआ। ओमिक्रॉन वेव जो कि थर्ड वेव थी, उसका जो नया वेरिएंट पाया गया लास्ट के अंदर वह XBB, और एक उसका जो नया वेरिएंट अभी ओमिक्रॉन लीनिएज का ही है, दिस इज BA.2.86.1.1। ये जो नया लीनिएज ऑफ ओमिक्रॉन है का पाया गया है, इसको वायरस ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अभी वायरस ऑफ कंसर्न नहीं हुआ है। इसके सिम्टोमेटोलॉजी नॉर्मल कोविड के जैसी ही है। सबसे पहले ये यूरोप में लग्जमबर्ग नामक कंट्री में पाया गया। उसके बाद कुछ दूसरी कंट्रीज जैसे इंग्लैंड, पोलैंड, फ्रांस और अमेरिका में भी पाया गया। सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया में भी दैट इज़ न्यू वेरियंट ऑफ ओमिक्रॉन दैट इज़ BA.2.86, अभी इसका नया नाम JN1 वायरस भी बोला गया है। मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन लीनियज का JN1, ये हाईली इन्फेक्शियस है। जहाँ पे भी ओवर क्राउडिंग होगी, जहाँ पे भी क्लोज कांटेक्ट होगा, ये काफ़ी अधिक इन्फेक्ट हो रहा है। और हमें जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ गैदरिंग को बचाना है, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। सर अभी हम लोग कितना तैयार हैं, जैसे कि RUHS ने पिछली बार काम किया उसके तहत आपको लंदन भी बुलाया जा रहा है वर्ल्ड इन्फेक्शियस कुछ सेमिनारों के तहत, तो हम लोग कितना तैयार हैं और हमारी तैयारी क्या है और हम कैसे इससे निपट पाएंगे? देखिए, हम लोग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टू मीट आउट एनी इवेंचुअलिटी वो वर्ल्ड क्लास ऑफ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, जो हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, मोस्ट सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोग्राम था जो सेकेंड वेव के बाद शुरू हो गया है। अच्छी बात यह है कि जो कोविड वैक्सीन हमारे यहाँ यूज़ किया गया, उसके द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप हुई गई, वो इम्यूनिटी इस JN1 वायरस को भी कवर करती है। तो अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ सेकेंड डोज भी लग चुकी और थर्ड बूस्टर डोज भी बहुत अधिक मात्रा में लग चुका है। और नेचुरल इन्फेक्शन भी ओमिक्रॉन में लोगों में बहुत हुआ है, जो कि स्वयं एक बूस्टर डोज का कार्य करता है। तो कपल्ड अप द बूस्टर डोज एंड कपल्ड अप द ओमिक्रॉन इन्फेक्शन, इम्यून स्टेटस हमारी सोसाइटी का बहुत अच्छा है। तो अगर हम बेसिक प्रोटोकॉल ऑफ मास्किंग और गैदरिंग को अवॉइड करें तो हम वी स्टैंड क्वाइट प्रोटेक्टेड। सेकेंडली, ये लाइक ओमिक्रॉन माइल्ड डिजीज प्रोड्यूस करता है। अगर कोई अनवैक्सीनेटेड है, किसी में कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे सीवियर डायबिटीज, कैंसर, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स, जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, या उनको कार्डियक प्रॉब्लम है, मल्टीपल प्रॉब्लम है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, जिनकी एज बहुत अधिक है, अगर उनमें ये कोविड के लक्षण पाए जाते हैं, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनको अंडर मेडिकल सुपरविजन प्रॉपरली एडिक्वेटली ट्रीट किया जाना चाहिए। बट अभी तक जो JN1 वेरिएंट का डिटेल्स पता लगे हैं, उससे ये कंफर्म हो गया है कि जो वैक्सीन्स हमने लिए हैं, जो अर्लियर इम्यूनिटी ओमिक्रॉन के कारण डेवलप हुई है, वो इसको भी प्रोटेक्ट करेगी। और अगर हम सोशल बिहेवियर को अडॉप्ट करें तो शायद वी स्टैंड प्रोटेक्टेड। बट यदि कुछ लोगों में ये ग्रेव रूप ले लेता है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली RUHS इज नोन एज वर्ल्ड्स बेस्ट
कोविड हैंडलिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है, ऑक्सीजनेशन की है, इंटेंसिव केयर यूनिट की है, आईसीयू की है, आई थिंक इट स्टैंड्स टू बी वेल प्रिपेयर्ड इंस्टीट्यूट विद ऑल द ऑक्सीजन जनरेशन सपोर्ट। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।